हत्या आरोपी गिरफ्तार। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के मुंडा खेड़ा गांव में बीती 5 जून को सुबह 7:30 बजे एक वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया था। महिला कैलाशो देवी पत्नी स्वर्गीय मणिराम लगभग 80 वर्ष की थी, जिसकी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या की सूचना कंट्रोल रूम से लक्सर पुलिस को मिली थी। सीनियर सिटीजन की हत्या ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए और हर कोई यह जानने को बेताब था कि आखिर इतनी वृद्ध महिला की हत्या किसने और क्यों की। लक्सर पुलिस लगातार 10 टीमें बनाकर इस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने अपने मुखबिर व अन्य स्रोतों का जाल बिछा रखा था। आज पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में हत्या आरोपी फंस गया और पकड़ा गया। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसएसपी ने बताया कि वृद्ध महिला का हत्यारा मुंडा खेड़ा गांव का ही एक युवक है। युवक का नाम राहुल पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र कुमार है। युवक से पूछताछ करने पर युवक ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि मृतक महिला पिछले 15 से 20 वर्षों से हमारे घर ही खाना खाती पीती आई है। मृतक महिला ने मेरी माँ को भी मेरे पिताजी द्वारा काफी परेशान करवाया। मेरी माँ कैंसर की बीमार होकर मर गई। हाल में मेरे पिता राजेंद्र कुमार की भी मौत हो चुकी है, जिसकी 13वीं के दिन मृतक महिला मेरे घर आई और अपने जेवरात और पैसे मांगने लगी। महिला ने काफी हंगामा किया। उस समय तो उसे समझा बुझा कर घर से भेज दिया गया, लेकिन महिला शाम को फिर आई और फिर से जेवरात और पैसों की मांग की। वह मेरी पत्नी को बात बात में बांझ कहा करती थी, जिससे मैं परेशान हो गया और मैंने रात 12 बजे जब मेरे घर सभी लोग सो गए तो अपनी पत्नी की चुन्नी उठाई और रास्ते से एक पत्थर उठाकर महिला के घर पहुंच गया और चुन्नी से महिला का मुंह दबाकर पत्थर से उसके सर और आंख पर वार कर डाला, जिससे महिला मर गई। मृत महिला को छोड़कर मैं अपने घर जाकर सो गया। इस बात का पता किसी को नहीं चल सका, लेकिन पुलिस की गहन छानबीन के आगे युवक के सारे राज खुल गए और वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा कर दिया गया। 5 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना प्राप्त हुई कि मुंडा खेड़ा गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके। तत्काल रूप से सभी उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और टीमें गठित करी। इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है, जो इस महिला का जमीन का देखभाल करता है राजेंद्र, जिसका 15 दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंध का झगड़ा में जो है, जो 4 तारीख को 13वीं हुआ था, उसमें भी जो मृतक है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उससे कुंतक लेते हुए 4:05 को जो रात में जो है ये घर के अंदर घुसकर इनका गला घोटकर, चुन्नी से गला घोटकर और पत्थर से इनका ऊपर हमला करके जो इनका मर्डर कर दिया गया। आज अभी तक गिरफ्तार करके जो है हम जुडिशियल रिमांड के लिए भेज रहे हैं और ये टीम जो 36 घंटे के अंदर इसको खुला सके, इसको मेरे ओर से जो है दयाजनक इनाम घोषित कर रहा हूँ और उच्च अधिकारी के लिए इनाम राशि बढ़ाने के लिए मैं भेजेंगे।